हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट नंबर 3। हमने फर्स्ट क्लास जो कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए अटेंड की थी, उसमें मैंने आपको कंप्यूटर का डेफिनेशन समझाया था, और कंप्यूटर की जो सेकंड कंप्यूटर फंडामेंटल की जो मैंने सेकंड क्लास स्टार्ट की थी, उसमें मैंने आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया था। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है, और तीसरे लेक्चर में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीपीयू, जिसे आप सब लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये वाली सीरीज, और इसमें मैं आपको सीपीयू के बारे में पूरी डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से इसको समझिए और उसको अपने नोट्स में लिखिए, उसे याद कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज। तो हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू भी कहते हैं। तो एक्चुअली में हम सब लोग सीपीयू के बारे में क्या जानते हैं, सीपीयू एक्चुअली है क्या? जैसे ही हमारे माइंड में सीपीयू आता है, या कोई हमसे पूछता है कि एक सीपीयू क्या होता है, तो हमारे मन में एक इमेज आती है, और वो इमेज कुछ इस तरीके की होती है। बिल्कुल सही, ये आप लोग सीपीयू के नाम से आप इसको जानते हैं, लेकिन कितने ही स्टूडेंट्स को ये पता है कि ये बिल्कुल गलत आंसर है। ये जो इमेज मैंने क्रॉस की है यहाँ पर रेड कलर से, ये क्या है? तो इसे हम कहते हैं सिस्टम केस और कैबिनेट, यानी कि आपका जो कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, उस डेस्कटॉप कंप्यूटर पे इस ब्लैक बॉक्स को केवल और केवल सिस्टम केस और कैबिनेट के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। ये जो दो इमेजेस आपको दिख रही हैं, ये एक चिप की फॉर्म है। एक्चुअली में ये आपके सीपीयू होते हैं, जो कि उस ब्लैक कलर के बॉक्स के अंदर लगे हुए एक इलेक्ट्रिक बोर्ड, जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, उस पर इसको फिट किया जाता है। और जो सीपीयू होता है किसी कंप्यूटर का, वो इन दोनों में से कोई एक चिप होती है। आप जरा इन इमेजेस को जरा ध्यान से देखिए। ये इमेजेस, दो इमेजेस अलग अलग हैं। जैसे कि ये मान लीजिए इमेज नंबर 1, इसमें आप देखिए ये ग्रीन कलर की जो चिप आपको दिख रही है, ये एकदम बिल्कुल फ्लैट सरफेस के साथ है, बिल्कुल समतल है, जबकि इसमें ये बीच में जो डॉटेड दिख रहे हैं आपको, ये उठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इमेज नंबर 2 की तरफ हम जब मूव करते हैं, तो इसमें भी ये कुछ सेंटर में कुछ उठे हुए हिस्से दिख रहे हैं, पर यहाँ पर कुछ पिन है। तो मैं आपका ध्यान इसी तरफ खींचना चाहता था। जो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, वो सीपीयू पहले जो आते थे वो आते थे पिन वाले, जैसे कि आप इस इमेज नंबर 2 में देख पा रहे हैं। लेकिन अब जो ट्रेंडिंग सीपीयूज जो हैं, वो आपके पिन लेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर फ्लैट सरफेस में आप देख पा रहे हैं। ये होते हैं आपके एक्चुअल सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक सिलिकन सेमीकंडक्टर चिप होती है, और इसी चिप की वजह से आपके द्वारा किए जाने वाला कोई भी काम प्रोसेस हो पाता है। आप कोई भी नंबर की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कुछ एरिया को कलर करना चाहते हैं, किसी इमेज को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, वो आपका डेटा प्रोसेसिंग टास्क एक्चुअली में आपका सीपीयू, दैट मीन्स इन्हीं दो चिप में से किसी एक के द्वारा कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा है कि सीपीयू उस ब्लैक बॉक्स को नहीं कहते हैं, वो एक केवल और केवल एक सिस्टम केस या कैबिनेट है, और उसमें लगे हुए एक इलेक्ट्रिक बोर्ड, दैट इज कॉल्ड अ मदर बोर्ड, उस पर इस सीपीयू को फिट किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू इज द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस। देखिए बड़े ध्यान से समझिए इसे, ठीक है, कोई भी चीज आपको मुश्किल नहीं होने वाली है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देखिए ये इसकी फुल फॉर्म है। द सीपीयू इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, यानी किसी भी कंप्यूटर का जो सबसे मुख्य और प्राइम जो कंपोनेंट माना जाता है, वो एक सीपीयू को माना जाता है। और उसका काम क्या होता है? दैट प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इंस्ट्रक्शंस मीन्स आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि कमांड्स के लिए मैं इस वर्ड को यूज कर रहा हूं, यानी कि सबसे मेन कंपोनेंट है सीपीयू, और ये सारी प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस को।
सेकेंड पॉइंट में हम समझते हैं कि इट रन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, और जो चलाने का काम भी किसका होता है, सीपीयू का होता है। एंड एप्लीकेशंस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके साथ चलने वाले एप्लीकेशंस। ध्यान से समझिए, आपके हाथ में एक एंड्रॉयड फोन है, इस एंड्रॉयड फोन को जब आप स्टार्ट करते हो तो वहां पर लिखा आता है एंड्रॉयड, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एंड द एप्लीकेशंस। अभी जो आप यूट्यूब देख रहे हैं, अभी जो आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, ये जिस एप्लीकेशन, हो सकता है ये MX प्लेयर पे देख रहे हो सकता है ये विंडो प्लेयर पे देख रहे हो सकता है ये यूट्यूब के प्लेयर पे आप देख रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशंस, मीन्स सॉफ्टवेयर जिसे आप यूज कर रहे हैं अपना काम निकालने के लिए। कॉन्स्टेंटली रिसीविंग इनपुट्स फ्रॉम द यूजर्स और एक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। और सीपीयू क्या करता है, रिसीव करता है इनपुट्स किसी यूजर के जरिए, या यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है, या किसी एक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के जरिए वो इनपुट्स लेता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इट प्रोसेसेस द डेटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट। इसका मतलब क्या है कि आपका सीपीयू प्रोसेस करता है डेटा को और प्रोड्यूस करता है आउटपुट विच में स्टोर्ड बाई एन एप्लीकेशन, और इसका मतलब है कि विच में स्टोर्ड बाई एन एप्लीकेशन, और ये किसी एप्लीकेशन के द्वारा आप उसके रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, जैसे हमारे पास गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव पे आप अपने किए हुए किसी भी काम को स्टोर करके रख सकते हैं और डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, और किए हुए काम को जो आपका आउटपुट रिजल्ट है उसको आप या तो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में सेव करके रख लीजिए, या आप उसको डिस्प्ले करके स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। द सीपीयू इज द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जिस तरीके से एक इंसान के अंदर उसका दिल और उसका ब्रेन काम करता है, ऐसे ही किसी भी कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू हार्ट और ब्रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। इट रिसीव्स डेटा इनपुट्स, ये इनपुट्स लेता है, एग्जीक्यूट करता है उन इंस्ट्रक्शंस को, एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इट कम्युनिकेट्स विद इनपुट आउटपुट, यानी कि जितने भी आपके इनपुट डिवाइसेज, जैसे कि कीबोर्ड, स्क्रीन, माउस, जितने भी आपके इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज हैं, उनके साथ ये कम्युनिकेट करता है, और जिनसे ये डेटा लेता है और जिनको ये डेटा देता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप कीबोर्ड के जरिए कोई डेटा, यानी कि 2+2 अगर आप करना चाहते हो तो आप 2+2 कीबोर्ड के जरिए एंटर करते हैं और आपको स्क्रीन पर रिजल्टेंट 4 रिजल्ट दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका इनपुट आउटपुट के साथ कम्युनिकेट करना, जो कि आपका सीपीयू करता है। नेक्स्ट थिंग, द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि द थ्री टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए CPU इंक्लूड्स द फॉलोइंग। थ्री मेन कंपोनेंट्स यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसे आप ALU कहते हैं। इस ALU यूनिट के अंदर आपकी जितने भी आपकी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवाइड, मोड एटसेट्रा, तो ये सारी कैलकुलेशन हमारी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं, और जितने भी आपके लॉजिकल टास्क, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, और लॉजिकल टास्क के अंदर आपका एंड और नॉट तरीके के ऑपरेटर्स को भी शामिल किया जाता है। यानी कि आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट दो हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है, AU यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट, और दोनों में कौन कौन से टास्क परफॉर्म होते हैं मैंने अभी आपको बताया। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के बाद हमारी सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट एक्सट्रैक्ट करती है इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम मेमोरी, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर या इंस्ट्रक्शन सेव होते हैं उनको ये एक तरीके से इंटरप्रेट करती है। इंटरप्रेट करने का मतलब, एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि उसको फेच करना, लेना एंड डिकोड्स करना। डिकोड मतलब, देखिए हमारे कंप्यूटर के अंदर यूजर डिफाइंड थिंग्स अलग तरीके से होती हैं और सिस्टम डेफिनेशन थिंग्स अलग होती हैं। इट मींस जैसे आप अपना नाम, जैसे सपोज आपका नाम एक्स वाई जेड है, तो आप अपना नाम जो लिखेंगे जब कंप्यूटर में, तो एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखा जाता है, पर कंप्यूटर के अंदर ये एक्स वाई जेड जो नाम होता है वो एक बाइनरी की फॉर्म में सेव होता है। और यही वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंस्ट्रक्शंस जो मेमोरी से लेगा, फिर उसको डिकोड किया जाएगा और फिर उसको एग्जीक्यूट कराने का काम भी सीयू यूनिट का होता है, दैट इज कंट्रोल यूनिट। इसको एक तरीके से और आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने एक कंप्यूटर पे 10 पेज का एक प्रिंट निकालने की कमांड दी, और मान लीजिए उस
कंट्रोल, उस कमांड पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। यानी कि अगर हम 10 पेज के बाद हमारी प्रिंटर स्टॉप हो जाता है और हमारे पेजेस रुक जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी कंट्रोलिंग है। लेकिन अगर हम वहाँ पर नहीं रुकते और प्रिंटर ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए या प्रिंटर कमांड गलत ले ले, तो वो बार बार पेज निकालता रहेगा या निकालेगा ही नहीं। तो इस केस में हम कहते हैं कि हमारी कंट्रोल यूनिट फेलियर है, ठीक है। एंड द थर्ड मेन इंपॉर्टेंट यूनिट इज कॉल्ड मेमोरी यूनिट। देखिए, इस मेमोरी यूनिट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि देखिए जितना ये मेमोरी आपके लिए फ्री होगी, उतना आपका प्रोसेसर फास्टर होता है। इस मेमोरी को आप रजिस्टर भी कह सकते हैं, और दीज रजिस्टर कंटेन डेटा। यानी कि जैसे आपने 2 + 2 करना है, तो 2 और 2 वो आपका डेटा कहलाता है, और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो प्लस इंस्ट्रक्शंस हैं, और वो काउंटर्स एंड एड्रेसेस यूज्ड इन द एएलयू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इट मीन्स जैसे आप जो भी कोई प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो उसमें आपको डेटा डालना होगा, इंस्ट्रक्शंस डालने होंगे जैसे 2 + 2, और फिर काउंटर यानी कि उसको काउंट करते रहना है, एड्रेसेस यानी कि वो वेरिएबल एक्चुअली आ कहाँ से रहे हैं, और फिर फाइनली उसकी एएलयू के पास जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस हो रही है उसको भी अपने पास सेव करके रखता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि सीपीयू के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अब हम चलते हैं आगे, और आगे वाले ब्लॉक डायग्राम में आप देख पाओगे कि सीपीयू कैसे एक्चुअली में दिखता है आपको। देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये इनपुट्स है, यानी कि यूजर यहाँ से अपना कोई भी डेटा सिस्टम तक भेजता है। इसके अंदर आपके कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, MICR मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो और आपका ट्रैक बॉल, ग्राफिक टैबलेट्स, ये इतने सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। इनमें से किसी भी एक डिवाइस का यूज करते हुए सिस्टम अपनी रिक्वेस्ट को सीपीयू तक भेजता है। ये पूरा ब्लॉक डायग्राम सीपीयू के लिए दिख रहा है, ये कलरफुल, ये देखिए रेड सिंबल से आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये वाला जो बॉक्स आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये बॉक्स जो है ये सीपीयू का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करने के लिए एएलयू यूनिट है, पूरी यूनिट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट है, और मेमोरी यूनिट, यानी कि सीपीयू के 3 मेजर कंपोनेंट्स यहाँ दिखाए हुए हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। और इसके अलावा आप देखिए, जब आपका डेटा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद आपको ये रिजल्ट कहाँ मिलता है, आउटपुट डिवाइसेस पर। आउटपुट डिवाइसेस जैसे आपकी स्क्रीन भी हो सकती है, आपका प्रिंटर भी हो सकता है, आपका मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी हो सकता है, प्लॉटर भी हो सकता है, स्पीकर भी हो सकता है। सो बहुत तरीके के आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं। तो ये था कि आपका सीपीयू एक्चुअली में काम कैसे करता है, होता क्या है, काम कैसे करता है, कितने इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, और एक्चुअली दिखने में कैसा होता है। तो मैं सीपीयू के बारे में जो आज का लेक्चर लेके आया था, मैंने आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और ध्यान रखिए, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सीपीयू का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि ये क्लास केवल और केवल एक जर्नल नॉलेज के लिए बनाई जा रही है, ये एक्चुअली आपको प्रिपेयर कर रही है आपके प्राइवेट, कॉन्ट्रेक्चुअल और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स में केवल स्पेशली जॉब पर्पस के लिए ही बना रहा हूँ, ये किसी एग्जाम को क्लियर करने भर का मात्र जरिया नहीं है। सो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और इस लेक्चर के बाद मैं नेक्स्ट सीरीज में जल्दी आपसे मिलूंगा। लेकिन उससे पहले फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे यूजर्स ये सारे वीडियोस देखकर केवल अपने पास ही रख रहे हैं। मैंने ये क्लासेस इसलिए स्टार्ट किए हैं कि मेरी क्लासेस उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंचे जो स्टूडेंट किसी जगह पर कोई फीस पेड करके या कहीं पर एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद ये काम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि वो फीस देने के लिए कैपेबल नहीं है, टाइम ऑफिसेज उसके ऐसे हैं, उनके ऐसे हैं, वो टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरी क्लासेस उन्हीं स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, इसके साथ साथ मैं जॉब ओरिएंटेशन तो दे ही रहा हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सारे यूजर्स तक जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूजर्स इसमें जोड़ सकते हैं जोड़िए, ताकि इसका फ़ायदा सभी को हो सके। नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा से मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने ज़रूर आऊँगा। जब तक आप मुझसे जुड़े रहिए, मेरे साथ टच में रहिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट शेयर कीजिए, मैं जल्दी ही उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। इसी के साथ मैं ये लेक्चर आज खत्म करता हूँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, गुड नाइट।